हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाते हैं मूंग दाल का हलवा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप से मूंग की दाल ली है। इसको मैंने भिगाने से पहले 1 कप लिया था, और 4 घंटे पहले मैंने इसको फूलने के लिए डाल दिया था। अब मैंने यहाँ पर दाल को एक बार अच्छे से धो लिया है और सारा पानी हटा दिया है। अब मिक्सी का जार ले लेंगे, इसमें इसको डाल के पीस लेंगे। तो 2 बार करके इसको पीस लेंगे, और पानी इसमें नहीं डालेंगे। जितना दाल में पानी थोड़ा बहुत होगा उसी से ये पीस जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से पीस गई है। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अब मैंने यहाँ गैस पर चढ़ा दिया है 1 कढ़ाई, और इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप के करीब देसी घी। और इस तरीके से इसमें छोटी छोटी पकौड़ी जैसे हम बनाते हैं ना, उस तरीके से डाल के इसको हमने बढ़िया से फ्राई कर लेना है। इस तरीके से हम दाल को इस तरीके से पका के पकौड़ी बना के जब बनाते हैं ना, हलवा बहुत जल्दी भी बन जाता है और एकदम बहुत बढ़िया बनता है, एकदम दानेदार अच्छा सा बनता है। तो ये देखिए, ये बढ़िया से फ्राई हो गया है। इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, और बाकी का भी इसी तरीके से हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारा ही कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम पीस लेंगे। तब तक हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिए हैं। आपके पास जो भी हो, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। थोड़े से पिस्ता आप डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ काजू बादाम भी हमारे फ्राई हो गए हैं, और इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये भी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसको भी इस तरीके से तोड़ के हम मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इसको भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये पीस के तैयार कर लिया है। और फिर से हम गैस की तरफ चलते हैं, और यहाँ उसी घी में मैंने डाल दी है सारी दाल। अब इसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने लगातार चलाते हुए इसको भून लेना है। तो यहाँ पे इसमें हम अभी घी नहीं डालेंगे। जितना घी इसमें है ना, इसी में ये अच्छे से आराम से भून जाएगा। बस मीडियम आंच पे ही इसको भूनेंगे। और ये देखिए, 5-7 मिनट भूनने के बाद ही काफ़ी घी इसने छोड़ दिया है, और ये काफ़ी हद तक भून गया है, एकदम हल्का हो गया है। और यहाँ देखिए, कलर भी चेंज होने लगा है, एकदम ब्राउन कलर ये हो गया है, और ये अच्छे से भून भी गया है, बिल्कुल हल्का हो गया, एकदम इसमें से झाग निकल रहा है। देखिए, बहुत ही बढ़िया से हमारा ये दाल भून के तैयार हो गई है। अभी इसमें हम डाल देंगे दूध। तो मैंने यहाँ टोटल 2 कप दूध लिया है, और दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा ही दूध 2 कप डाल दिया है, और अच्छे से इसको मिला देंगे। और गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम लो पे रहेगा, बढ़िया से इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे ये अच्छे से उबल गया था एक बार, तो मैंने चीनी इसमें डाल दिया है। चीनी मैंने यहाँ पे टोटल 1.5 कप चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे इतना चीनी इसमें काफ़ी है, बढ़िया मीठा इसमें हो गया था। तो अभी इसको हमने अच्छे से इसको पकाना है। चीनी जैसे घुलेगी, देखिए एकदम पतला हो गया है, अभी इसको हम अच्छे से पकाएँगे। तो इस तरीके से आप एक प्लेट या फिर ढक्कन ऊपर से लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इसमें से छींटे उड़ते हैं, तो हाथ पे या मुंह पे नहीं पड़े इसीलिए। अब यहाँ 1 छोटी चम्मच से डाल दिया है इलायची पाउडर, और ये देखिए काफ़ी ये भुन गया है, और कलर भी इसका देखिए फिर से इसका चेंज होने लग गया है। और अभी इसको हम अच्छे से भुनेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर इसमें आप घी डाल के 1-2 चम्मच इस तरीके से घी डालेंगे, और लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बढ़िया से भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से घी नहीं छोड़ने लगता, एकदम कढ़ाई नहीं छोड़ता है और बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता है, तब तक इसको भूनना है। और यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही बढ़िया से भून गया है, और देखिए कलर भी एकदम चेंज हो गया है। और अब यहाँ पे थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, बस 1-2 मिनट के लिए इसको और भून लेते हैं। और यहाँ देखिए, ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है, बढ़िया से ये देखिए घी भी साइड से छोड़ने लगा है, और बढ़िया सा कलर भी इसमें आ गया है। तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एकदम हमारा मूंग दाल का हलवा झटपट से बनके तैयार हो गया है। एकदम शादियों में जैसे आप खाते हैं ना, वैसा ही हलवा एकदम बना है।
तो फ्रेंड्स आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।